तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब तारा सुतारिया मैं कह रहा हूँ यहाँ से बहुत चमकने वाली है, क्योंकि कल इस मूवी का आया था ट्रेलर और जो सॉलिड ट्रेलर निकला है भाई, अमेजिंग। मतलब ऐसे देखो कंटेंट कोई इतना ज़्यादा हाइप वाला कोई नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन भी बिल्कुल ऑर्डिनरी है। ट्रेलर देखकर साफ पता लग गया कि मूवी में होने क्या वाला है। दो पार्ट में मूवी डिवाइड करी जाएगी। पहला पार्ट लव रोमांस लव स्टोरी ड्रामा का तड़का देखने को मिलेगा, एंड सेकंड पार्ट में हमें मोस्ट थ्रिलिंग सस्पेंस देखने को मिलेगा, जिसमें तारा सुतारिया अपनी लाइफ के लिए सर्वाइवल करेंगी और किसी भी हद तक जाएंगी अपने को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। तो ऐसी मोस्ट सर्वाइवल मूवीज हम पहले भी देख कर आ चुके हैं, लेकिन इसका जो हाइप है वो सॉलिड होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। दूसरा, ये इजी टू रीच होगी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करे जा रही है 15 नवंबर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। बात करते हैं कि मूवी में क्या होने वाले। भाई ट्रेलर देखकर साफ पता लग गया है कि मूवी में पहला पार्ट रोमांस लव और लव स्टोरी का चलने वाला है। उसके बाद क्या कहते हैं, तारा सुतारिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जानी है, जो सीधा बोल रही है कि भैया मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बर्थडे पर जाना है। उसके बाद चंबल एरिया में चार लोग, अभिषेक बैनर्जी, राजपाल यादव और दो और हैं, वो लोग इसे पकड़ लेंगे, उसका रेप करेंगे और रेप करते भी जाएंगे, और यहाँ से तारा सुतारिया अपनी लाइफ बचाने की कोशिश करेगी। हर एक वो कोशिश करेगी इनकी चुंगल से बचने के लिए, किसी को मारना पड़ेगा, कोई एक्सीडेंटली मर जाएगा। तो ये मोस्ट थ्रिलिंग एक्शन सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। स्टार्टिंग जब इस ट्रेलर की हुई थी वो गाने से, भाई सॉलिड गाना होने वाला है, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वो गाना हिट होने वाला है। दूसरा, म्यूजिक BGM ऑल आर अमेजिंग। BGM जो सस्पेंस क्रिएट कर रहा है ना, जो थ्रिल क्रिएट कर रहा है भाई, ऑसम है। वहाँ से फटने भी वाली है लोगों की, क्योंकि भाई डर का माहौल बहुत खतरनाक बना देंगे और एक ऐसा माहौल सेट कर देंगे कि यार अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। एंड में हमको बिल्कुल पता है तारा सुतारिया बच जाएंगी, जो डेविल साइड है, जो ईविल रोल प्ले कर रहे हैं अभिषेक बैनर्जी और राजपाल यादव, तो बीच में उनके साथ घिसटे जाएंगे, तो ये सारे लोग मारे जाने वाले हैं, ये सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद भी ये मूवी एक हाइप सेट कर गई है, और बाय गॉड मैं दिल से बोल रहा हूँ मैं इस मूवी को देखूंगा, क्योंकि तारा सुतारिया की जो एक्टिंग लग रही है इसमें फाड़ने वाली है। मेन लीड रोल इनका रहने वाला है, और उसके बाद जो इविल साइड विलेन में हमें देखने को मिलेंगे अभिषेक बैनर्जी, क्या यार ये बंदा क्या एक्टिंग करता है, सॉलिड। मतलब ऐसे विलेन रोल के लिए, टिपिकल निगेटिव विलेन रोल के लिए जो ब्रुटैलिटी के साथ आते हैं भाई, ये है इस बंदे के लिए, बिल्कुल फिट बैठता है। उसके बाद राजपाल यादव वर्सिटैलिटी में ये कमाल कर जाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे कंटेंट जिनका हाइप इतना सुपर फैंटास्टिक वाला होता है, और इनके पास अगर एक छोटा मोटा सुपरस्टार होता है, कोई बड़ा स्टार नहीं होता है, तो इन मूवी को इतना फुटेज नहीं मिलता है, क्योंकि थिएटर हाउस में क्या है, एक्शन मास मसाला के नाम पर हमें टट्टी दिखाई जाती है, और यस लोग उसे पसंद भी करते हैं। ऐसे हमने बहुत से एग्जाम्पल्स हमने देख रखे हैं, प्रीवियस आप उठा के देख लीजिए, बहुत सी मूवीज ऐसी मिल जाएंगी जिसने स्टोरी लाइन के नाम पर, स्टोरी के नाम पर, कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस एक चेहरा, हमें बड़े सुपरस्टार का चेहरा दिखा देंगे और यस उसके नाम पर ये मूवी बिक जाएगी, टिक जाएगी और अच्छा खासा कलेक्शन कर ले जाएगी। ठीक है, सही हुआ कि ये मूवी थिएटर हाउस में रिलीज़ नहीं करी जा रही है। अगर ये थिएटर में रिलीज़ कर जाती बाय गॉड वहाँ से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को इस कंटेंट की वैल्यू मालूम ही नहीं है। तो भाई साहब वैसे देखा जाए तो ये भी सही है, देखो हर मूवी थिएटर हाउस के लिए नहीं बनी है, कुछ एक मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी चाहिए, इजी टू पब्लिक के पास पहुंचनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो इस मूवी का जो हाइप है ना, इस मूवी का जो कंटेंट होने वाला है और इस मूवी में जो मिलने वाला है, बाय गॉड वो किसी जवान, पठान या फिर लियो से कम नहीं मिलने वाला है, ज़बरदस्त मिलने वाला है। मूवी एकदम एंगेजिंग होने वाली है, क्योंकि ऐसे सर्वाइवल जो मूवी होती हैं अपनी लाइफ की सेवियर के लिए जो बनाई जाती हैं, उनको फोकस करके बाय गॉड ये फुल अटेंशन खींचती हैं और ज़बरदस्त अटेंशन खींच के रखती हैं। तो देखा जाएगा तारा सुतारिया की एक्टिंग में जितना दम होगा ये मूवी की हाइप उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि इस मूवी का कॉन्टेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्टोरी लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, सिंपल है, सर्वाइवल होगा और डेफिनेटली तारा सुतारिया बच जाएंगी। लेकिन वो कैसे कैसे बचेंगी, कैसे कैसे हथकंडे अपनाएंगी, ये मज़ेदार होगा।
तो यहाँ पर किसकी भूमिका सबसे खतरनाक होती? डायरेक्टर की। अगर डायरेक्टर इस भूमिका में इस विजन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट कर गया तो भाई ये मूवी फाड़ के जाने वाली है। और निखिल भट्ट, मैं ये कह रहा हूँ, ये डायरेक्टर यहाँ से चमकने वाला है। ऐसा नहीं कि इनकी ये पहली मूवी, और भी मूवीज हैं लेकिन इतना पब्लिक के सामने नहीं आई हैं, लेकिन इस मूवी में वो पोटेंशियल है जो सिर्फ तारा सुतारिया का ही कमबैक नहीं करेगा, इस डायरेक्टर को भी लोगों तक पहुँचाएगा कि इस डायरेक्टर की जो विजन है, जो इसकी थिंकिंग प्रोसेस है, जो इसका काम करने का तरीका है, स्क्रीन प्ले है, ये सब ऑसम है और लोगों को डेफिनेटली टच भी करेगा। तो थ्रिल, सस्पेंस, लव, रोमांस, लव स्टोरी, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। राजकुमार यादव है तो इस छोटा मोटा कॉमेडी का सीन भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो भाई साहब, मैं इस मूवी के लिए बाय गॉड दिल से वेट कर रहा हूँ और ज़बरदस्त तरीके से वेट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी अगर ट्रेलर देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।